हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी हैव हर्ष चरण सिंह फ्रॉम नागौर राजस्थान, जो कि बैंक एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में फैंटेसी क्रिकेट भी खेलते हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या है, उनके एडवाइस क्या है और वो कैसे जीत रहे हैं। सो हर्ष, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपके इंट्रोडक्शन से बताइए आप कौन है, आप क्या कर रहे हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष है और मैं नागौर राजस्थान से हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ और मैं बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। साथ में फैंटेसी भी मैं जब भी टाइम मिलता है मैं खेलता हूँ। इसमें मेरा हमेशा से मतलब इंटरेस्ट था, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म का पहले मुझे पता नहीं था। लेकिन जब फैंटेसी के कुछ ऐप्स के बारे में जब मुझे जैसे पता चला, तो मैंने अपना लक और रिसर्च जो भी कहते हैं वो मतलब अपना वहाँ पे आजमाने की सोचा। ऐसा नहीं है कि हमेशा विन में रहा, लॉस में भी रहा, लेकिन सीखा भी है काफी कुछ कि जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करते हो तब हमें पता चलता है कि हाँ हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अभी मुझे मतलब एग्जाम्स के साथ में तैयारी करता हूँ तो इतना नहीं खेल पाता, लेकिन जितना खेल पाता हूँ उसमें मोस्ट ऑफ टाइम प्रॉफिट ही रहता है और कभी कभी लॉस भी होता है जो कि चलता है, क्योंकि जब तक कुछ लॉस नहीं होगा हम सीखेंगे भी नहीं। ये सही बात है, सही बात है। आप कब से खेल रहे हैं फैंटेसी क्रिकेट? मैम वैसे तो मैंने शायद एक साल मतलब 2 साल के आसपास हो गया सर। ओके, 2 साल से। तो आप कौन से मेजर, कौन से प्लेटफॉर्म में खेलते हैं? मैम अच्छा, वैसे मैं ज्यादा ड्रीम इलेवन में खेलता हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा उसका जो इंटरफेस है वो सही है, थोड़ा अच्छा मतलब आसानी रहती है। और बाकी में अभी जो एक नया अभी जस्ट एक अभी कुछ टाइम पहले शायद खेलना शुरू किया है विजन इलेवन, वो भी ठीक है, बढ़िया है उसका भी, क्योंकि उसका जो क्या कहते हैं उसको क्रेडिट सिस्टम है ना, सैलरी वो सेम रहती है दोनों की, तो अच्छा। मैच करती है। तो उसमें वो भी है कि 3 बैट्समैन लेने हैं, 3 बॉलर लेने हैं, तो सेम है ड्रीम इलेवन के जैसा, तो उस वजह से थोड़ा दोनों में इसलिए उसमें खेलता हूँ। तो क्या ज्यादा खेलते हैं, ग्रैंड लीग ज्यादा खेलते हैं कि स्मॉल लीग ज्यादा खेलते हैं आप? नहीं, वो मैच पे डिपेंड करता है कि अगर कोई ऐसा मैच है कि जिसमें एक तरफा है तो मैं उस पर ग्रैंड लीग नहीं खेलता, क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ की टीम एक जैसी होती है, सबको पता है इसमें ये जीतने वाली है और ये चेंज कर लेगी, या तो उसमें कोई फायदा नहीं है ना। तो जहाँ पे बैलेंस पिच होती है पता नहीं चलता, दोनों टीम टक्कर की होती है, वहाँ पे मैं जीएल ट्राई करता हूँ, लेकिन जीएल में कभी जीता नहीं, ये भी एक सच है। क्योंकि क्योंकि मैं जो जीएल की जो टीम बनाता हूँ वही सेम टीम में स्मॉल लीग में भी लगाता हूँ, तो जो 4 मेंबर्स वाली या 3, तो दोनों का ध्यान में रख के टीम बनानी पड़ती है। केवल जीएल खेलोगे तो आप काफी रिस्की टीम बना सकते हो, मैं कभी रिस्की टीम नहीं बनाता, मैं वैसी टीम बनाता हूँ कि 4 मेंबर्स में भी जीत जाए, 3 मेंबर्स में भी जीत जाए। तो मुझे ये बताइए कि जब आप टीम्स बनाते हैं तो आप किन किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपनी अपनी टीम अच्छी बनाने के लिए? कोई एप्स हैं या कोई वेबसाइट्स हैं या कोई टेलीग्राम चैनल से, कहाँ कहाँ से आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं टीम बनाने के लिए? हाँ, पहले टेलीग्राम का यूज करता था, लेकिन उनका तो क्या है कि एक चैनल यूज करते हैं तो उसका ऐसा होता है कि हम उस पर ना पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन है उसकी सही है या काम आ सकती है। तो फिर मैंने बहुत सारे सोर्स इधर उधर से, कुछ वेबसाइट्स और ऐसे करके यूट्यूब पे भी कुछ वीडियो जो चैनल ठीक ठाक जो अच्छे मतलब प्रेडिक्शन भी करते हैं, तो उनसे फिर, और लेटेस्ट में तो आपका वो ऐप यूज करना स्टार्ट किया था, वो सुपर ठीक है, वो बेस्ट है। सो परफेक्ट लाइनअप की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? नहीं, सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि हम इसमें हम कंफ्यूजन वाला स्टेट वो खत्म हो जाता है कि यार इसको ले या ना ले, लेना है तो उसमें ले लेंगे, उसका जो स्टार्ट वो देख के पूरा स्पीच पे क्या है, इसका क्या रिकॉर्ड रहा, वो माइंड में क्लिक कर जाता है इसको लेना या नहीं लेना। बाकी से अभी जैसे कोई नया बॉलर आया, अब उसको मैं ढूंढ रहा हूँ वेबसाइट पे, पहले की बात बताता हूँ, उसको मैं ढूंढ जाता कहाँ है, किसका क्या खेला, कुछ उसकी कोई कितनी रिसर्च कर लो, पुराने मैच ढूंढने की कोशिश करता मिलता नहीं था, तो उसमें फिर ये होता डर रहता था कि यार इसको मैं ले नहीं रहा हूँ, इसका कुछ स्टार्ट मुझे पता नहीं है, इसको लूँ या ना लूँ, तो बहुत बार उसका नुकसान काफी उठाना पड़ा। लेकिन इसमें अगर वो खिलाड़ी कहीं नहीं खेला है तो वो उसमें बता देगा प्रेफर्ड लाइनर में कि नहीं खेला है, तो वो पता चल जाता है कि वो सब, तो अगर मुझे नुकसान है तो बाकियों को भी नुकसान। तो कुल मिला के आपकी रिसर्च का टाइम बच जाता है परफेक्ट लाइनअप से? हाँ, काफी टाइम बच जाता है और इसमें आपको बहुत अच्छा मतलब डिटेल से जो मिलता है ना वो सच में काम आता है कि बस ये एक ऐप खोल के बैठ जाओ फिर इसको पढ़ते रहो कि पूरा जो डेटा दिए रखा है उसके बस वो पढ़ते रहो। बाकी कुछ अभी जैसे है एक दो फीचर जो मैंने सर को भी बताए थे वो अभी अभिषेक जी को ऐड करने हैं, करे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली मैं उसी क्वेश्चन पे आ रही थी कि हर्ष, आपके हिसाब से हम ऐप में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या ऐसा बना सकते हैं जिससे कि आपको और ज्यादा हेल्प हो? तो मैं कह रहा हूँ कि आप इसको एक्सटेंड भी कीजिए, मतलब फुटबॉल मैचेज भी ऐड कीजिए, वो भी मतलब ऐसा है कि
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे लगता है क्रिकेट से भी ज्यादा फुटबॉल में ज्यादा यूज हो जाता है, मतलब उसका फायदा रहता है। कैसे कि क्रिकेट में क्या होता है कि जैसे 22 खिलाड़ी खेल रहे हैं तो पांच हाँ प्लेयर्स कई बार ऐसे होते हैं जिनको पॉइंट्स लाने का मौका नहीं मिलता। मतलब पहली टीम ने चेस कर लिया तो उनकी बॉलिंग जो बॉलर्स है दूसरी टीम के वो मतलब उनके पॉइंट्स नहीं आते। लेकिन फुटबॉल में ऐसा नहीं है, फुटबॉल में जो जो खेल रहे हैं सब सारे पॉइंट्स खेल प्लेयर्स रहे हैं। एंगेज रहते हैं, सारे प्लेयर्स हाँ, एंगेज रहते तो हैं जो फुटबॉल में। उसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बताएगी कि ये इतना पॉइंट्स ग्रैब कर सकता है ये खिलाड़ी, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल सही सही दिखेगा उसमें। क्रिकेट एक अलग है, फुटबॉल बिल्कुल अलग है। तो फुटबॉल के ऐड एब्सोल्युटली। करो तो हाँ, तो वो फुटबॉल एक ऐड करना चाहिए, एक मेरा था। एक दूसरा ये था कि प्रोबेबल बैटिंग लाइनअप की इस मैच के लिए क्या हो सकती है, वो बड़ी हेल्पफुल होती है। कई बार हमें क्या पता नहीं चलता ना कि पिच हम पढ़ लेते हैं कि कैसा है, फिर भी दिमाग में क्लिक नहीं करता कि बैटिंग लाइनअप क्या रह सकती है, क्योंकि हाँ चेंज कर लेते हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट, जो अगर आपके ऐप में जो एक्सपर्ट लोग होते हैं जो मतलब पहले वो रिपोर्ट भी देते हैं, वो लोग अगर बता सके कि प्रोबेबल बैटिंग लाइनअप क्या है और फुल ओवर्स कौन डाल सकता है। क्योंकि देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक अभी जो ये चल रहे थे वर्ल्ड कप, उसमें हाँ शायद मोइन अली का क्या सीन था कि जिस तरह के बैट्समैन है सामने वाली टीम में, हाँ उससे हाँ उस पर डिपेंड करता था कि मोइन अली आउट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो अब ये क्या चीजें होती हैं हम लोग मिस कर जाते हैं, क्योंकि हमको इतना नॉलेज नहीं होता। हम तो स्टूडेंट है और इतना गेस नहीं कर सकते कि मोइन अली को आज ओवर्स मिल सकते हैं नहीं मिल सकते। लेकिन एक्सपर्ट लोग तो उनको पता होता है कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, इनको ये पक्का ओवर करेगा नहीं करेगा। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल दें कि आज बॉलर है ना ये फुल ओवर्स कर सकता है या ये ओवर नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है जो हमें हेल्प करती है मतलब अच्छी टीम बनाने के लिए। ओके ओके और एक और, हाँ बताइए बताइए। एक और चीज था कि आप में आपके ऐप में ये तो है कि ना कि हम ऑटो फिल करके वो टीम बना सकते हैं इंक्लूड एंड एक्सक्लूड करके कि ये हाँ मुझे हाँ रखनी है ये हाँ रखनी है। लेकिन हाँ एक एक फीचर ये भी रहेगा ना तो अच्छा रहे कि मुझे ये दो प्लेयर है, ये कैप्टन और ये वाइस कैप्टन हर टीम में मुझे चाहिए, लेकिन अच्छा ये चार पांच प्लेयर इनको नहीं लेने इस टीम में, इन दो को लेने ये कैप्टन और वाइस कैप्टन के हिसाब से। अगर जैसे मैं कोहली को कैप्टन बनाता हूँ और हाँ डिको को हाँ वाइस कैप्टन बनाता हूँ जैसे कोई मान लो मैच ऐसा, तो इन दोनों के हिसाब से जो अच्छी टीम आपका जो कंप्यूटर बना के दे कि अगर ये इसको कैप्टन और इसको वाइस कैप्टन बनाओगे तो प्रोबेबल ऐसी टीम्स बनेगी, तो वो सबसे बड़ा हेल्पफुल तो रहता है। आप क्या ये क्योंकि कह रहे हैं कि वाइस कैप्टन और कैप्टन को लॉक करने का फीचर होना चाहिए सो दैट यू कैन क्रिएट मल्टीपल नहीं टीम्स फीचर तो इंस्टेड है, ऑफ। नहीं हाँ नहीं फीचर है आपकी ये ऐप में फीचर है, लेकिन उसमें एक्सक्लूड वाला फीचर नहीं है एड हो कि इन तीन चार को नहीं ओ रखना है ओके ओके सो इंक्लूड आप ना। करने के लॉक के हाँ साथ साथ एक्सक्लूजन का फीचर भी होना चाहिए कि ये प्लेयर्स नहीं होना चाहिए, अब चाहिए उसके बाद आप वेरिएशंस दिखाओ। ओके 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 वेरिएशन इन टी और वीसी के साथ ऐसे। एक्सक्लूड फीचर कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ। हाँ हाँ वाइस कैप्टन ओके वंडरफुल। सो मुझे बताइए अपनी विनिंग्स के बारे में कुछ बताइए, अब तक आप कितना जीते हैं, कैसा क्या रहा है। विनिंग्स तो मैम ऐसा है कि जैसे मैं कोई ज्यादा टीम मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट मेरा ज्यादा रहता नहीं है, तो हाँ एंड ऑफ द मंथ मेरा प्रॉफिट रह जाता है। मेरा ऐसा है एंड ऑफ द मंथ मेरा प्रॉफिट रह जाता है। और अभी एग्जाम्स थे तो मैंने खेलना थोड़ा कम कर दिया था, लेकिन जब हाँ खेलता था प्रॉफिट रहता था और कभी कभी भारी नुकसान भी। वैसा नहीं है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन ये है कि अगर जैसे मान लो पूरा टाइम अगर मैं इसको दूं तो मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा, ये मुझे पता है। लेकिन वो भी है कि इसको मैं एक ना एक एक फन की तरह देखता हूँ फैंटेसी को, कि मैं रिसर्च करके कितना प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि क्या मैच कैसा जाने वाला है, और उससे पैसे मिल रहे हैं तो वो एक बड़ी बात हो जाती है वो हमारे लिए। वो ऐसा फन के लिए देखता हूँ, बाकी मैं इस पर कोई इतना डिपेंड नहीं करता। ओके 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 मुझे बताइए 1 करोड़ जीत जाएंगे तो क्या करेंगे, जीएल का अगर 1 करोड़ का फाइन लग गया। मतलब मैं अपने ऊपर कम खर्च करूंगा, मेरे फैमिली को, मेरे जो सपने हैं फैमिली को लेकर ये कि मम्मी हाँ पापा भाई बहन उनके लिए कुछ करना। अब मेरा तो क्या है, मैं तो 2000 भी महीने के कमाऊंगा तो अपना दिन बिता सकता हूँ, उनके लिए करना चाहिए। ओके सो उनके लिए अब क्या मेरा तो जेल करेंगे। का एक तो अच्छा घर बनाना मुझे है, हमारे अच्छा मतलब ऐसा घर है लेकिन हाँ एक हाँ किसी सिटी में उनके लिए बड़ा घर बनाना है, और बाकी उनको जो चाहे वो जैसे पैसों को खर्च करना चाहे वो मम्मी पापा के ऊपर है। ओके 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 तो मुझे बताइए कि आपने बताया कि आप परफेक्ट लाइनअप के फीचर्स भी बताए, आपने बहुत सारी अच्छी चीजें बताई, आपने ये बताया कि आप स्टूडेंट हैं, आपके पास खेलने का ज्यादा समय नहीं होता, बट स्टिल मंथली प्रॉफिट में मैनेज कर लेते हैं आप। आपकी नंबर वन एडवाइस क्या होगी उन लोगों के हाँ लिए जो भी फैंटेसी खेल रहे हैं या जो अपनी विनिंग्स बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए।
देखो मेरे तो उनको यही एडवाइस है कि तुम जो टीम बनाते हो ना, आप दूसरों से ज्यादा खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। कि कुछ लोग क्या करते हैं, किसी एक की किसी से टीम लेते हैं, बनाते हैं तो पहले बात तो वो जो टीम बनाते हैं वो कभी आपको सेम वो टीम देते नहीं है, क्योंकि उनको जेल जीतनी होती है, तो वो अपनी टीम आपको कभी नहीं देते। वो ऐसी टीम देंगे जो आप स्मॉल लीग में चलाओ तुक्का लग गया तो आप जीत जाते हो। तो मैं कहता हूँ रिसर्च आपकी ज्यादा काम आती है, और एक आप डिपेंड आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि यार कौन मेहनत करे और कौन टीम बनाए, कोई टीम दे देगा जीत जाएंगे, इससे आप ठीक, आप 3 मेंबर्स वाले जीत के, 4 मेंबर्स वाले को जीत के कभी हारते हो उससे, लेकिन आप जीएल वेल कभी नहीं जीत पाओगे दूसरों की टीम से। जो जीएल जीतता है, जो एक नंबर पे आता है, देखना उसकी एक नंबर पे एक ही जना आता है, मतलब ऐसे नहीं, बहुत ही कम टाइम होता है कि स्प्लिट हो जाता है वो, 2 या 3 जने फर्स्ट रैंक पे आते हैं, फर्स्ट रैंक वाला मोस्ट ऑफ टाइम एक ही जना होता है, तो वो किसी टीम लेके नहीं बनाता है, वो खुद ही बनाता है। तो जीएल अगर खेल रहे हो तो खुद का बनाओ, कि कम से कम है ना कि यह हो कि हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़े। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप खुद ऐसे बनो कि आप किसी को टीम दे सको, दूसरों से क्या टीम ले, अपने रिसर्च करो, मेहनत करो। लॉस होगा, स्टार्ट में लॉस होगा, मुझे भी होता है, हुआ था, लेकिन धीरे धीरे आप काफी सीख गया हूँ मैं, तो अब लॉस नहीं होता इतना मुझे, पहले जो जितना होता। वंडरफुल। इनफैक्ट हम लगातार फैंटेसी प्लेयर से बात कर रहे हैं हर्ष, जो आप ही की तरह 1 साल से या 2 साल से फैंटेसी खेल रहे हैं। इनफैक्ट काफी लोग स्टूडेंट भी हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल्स भी हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स डाउन टू बेसिक, और हर कोई ये कहता है कि पेड टीम के चक्कर में मत पड़ो, अपनी रिसर्च करो, अपना दिमाग लगाओ, अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, आप बेहतर टीम बनाओगे। सो वंडरफुल टॉकिंग टू यू। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं मैं कह रहा हूँ, अपनी टीम से 10 रुपये जीतो ना, वो उसकी एक खुशी अलग होती है, और दूसरों तुम कितना भी जीत लो वो तुमको एक सुकून नहीं मिलता है कभी, कि आपको ये लगता है कि कब तक जितवाएगा मुझे, एक दिन तो मुझे ही खेलना है, मुझे ही करना होगा, कभी ना कभी ये जितना जितवाएगा उतना लुटवा भी देगा, और ये सच्चाई है। थोड़ा जीतो लेकिन खुद की टीम से जीतो, मैं तो ये मानता हूँ। बहुत 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 बढ़िया। आप इंस्टाग्राम में है क्या? हाँ मैम, मेरा इंस्टाग्राम। आपका इंस्टाग्राम हैंडल क्या है? मैं अभी पब्लिकली तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा चलिए, हम आपसे मैसेज करके पूछ लेंगे। नहीं, क्यों, मेरा... नहीं मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि हम जब ये इंटरव्यू डालेंगे तो हम आपको टैग कर सके वहाँ पे, और नहीं वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। सो वंडरफुल टॉकिंग टू यू हर्ष, और मेरी तरफ से, मैं अनुपम हूँ, मेरी तरफ से पूरी परफेक्ट लाइनअप की टीम की तरफ से, पूरी फैंटेसी कम्युनिटी की तरफ से, और पूरे इंडिया की तरफ से आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आपको बहुत सारी ऑल द बेस्ट। आपको अच्छे से सिलेक्शन हो, और अपने अपने मम्मी पापा को खुश करें, अपनी फैमिली को खुश करें, और माशा अल्लाह कभी आगे चल के जीएल में 1 करोड़ भी जीते, अपने घर वालों के लिए खूब अच्छा घर बनाए, उन्हें बाहर लेके जाए, उन्हें मस्ती कराए, सो देट सबको लगे कि क्या बेटा है हमारा। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वंडरफुल वंडरफुल टॉकिंग टू यू हर्ष, एंड मे यू कीप विनिंग। बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।